हो रही बारिश के चलते अंबाला में मौसम में गिरावट भी देखने को मिली है। अंबाला में देर रात से बारिश का दौर जारी है, ये जानकारी आ रही है अंबाला से। रात भर मूसलाधार बारिश हुई और बारिश होने के बाद जलभराव हो गया है। सड़कें हो या गलियां हो, सब कुछ पानी में तब्दील हो गई है। हर जगह पानी भर गया है। सुबह से एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है, तो आपको हम तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरीके से। ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से रात भर बारिश हुई और सुबह सुबह जब बारिश शुरू हुई उसकी भी तस्वीरें हैं। और इन दोनों तस्वीरों में पानी भरा हुआ गलियों में, सड़कों पर आप देख भी पा रहे हैं कैसे लगातार मूसलाधार हुई बारिश के बाद अभी यहाँ पर जलभराव के हालात बने हुए हैं। तो अंबाला की तस्वीरें आपको हमने दिखाई किस तरीके से अंबाला में रात भर बड़ा बारिश हुई है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का दौर जारी है। बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश के ऐसे 6 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम सुहावना है लेकिन जमकर बरसात हो सकती है, इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी कमल ठाकुर, साथ ही नरेश सैनी जुट के हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले नरेश, आपके पास आते हुए, अंबाला में रात भर से मूसलाधार बारिश हुई, सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो चुकी है, ताजा जानकारी क्या, कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है नरेश? अचानक मौसम बदला शाम को, लेकिन जब रात हुई तो रात के समय काफी तेज बारिश हुई और वो सिलसिला सुबह तक जारी रहा। हालांकि अभी भी आसमान में काफी घने कहर जो है बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी भी अभी हो रही है, और कह सकते हैं कि यहाँ की जो सड़कें और गलियां हैं वो जलमग्न हो गई हैं और जो अंबाला की कई कॉलोनी है उनमें पानी भर गया है और कई कई दुकानों में और मकानों में भी पानी घुस गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ पर जो मंदिर में जाने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ रहा है उनको। हालांकि रात के समय बारिश हुई, इसके चलते कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले लोग हैं उनको इतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो आने जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी वो घर से निकलते हैं तो उनके सामने एकदम से जो है गलियों में पानी भरा, जो गंदा पानी है वो नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही जो किसानों की चिंता भी इस बारिश ने बढ़ा दी है। बता दें कि अंबाला में जो किसानों की धान की फसल है वो पककर तैयार है, और इसके साथ ही जो मंडियों में भी कहीं ना कहीं जो फसल है वो आ चुकी है, और किसानों की चिंता को इस बारिश ने जरूर बढ़ा दिया है, क्योंकि किसानों को डर है कि बारिश के कारण उनकी धान की फसल खराब ना हो जाए। ठीक है, हमारे साथ शिमला से कमल ठाकुर भी बने हुए। कमल, हिमाचल की कई ऐसे जिले जहां अलग